आमे अछु अयोध्या रे। अयोध्या ए ना सुनिले आखि सामना रे प्रभु रामचंद्रंकर चित्र चली आसे। ए अयोध्या को नेकि मामला कोर्ट रे पहुंचला आउ शेषरे एठी रामलालांक मंदिर प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। जेतले मंदिर प्रतिष्ठा होउछि ता पूर्वरु अयोध्या मध्य आउ एक रूप पाउछि। एबे होउछि अयोध्या रो नवकलेबर किभली भाबरे अयोध्या नुआ रूप पाउछि कोन होउछि एठी एबे भी कोन लोके से पुरना दिन को मने पकोउछंती ना धीरे धीरे समय गड़िबा सह लोके से दिन को भूली गलेनी ए सब जानिबा अति निकट रु। तबे चालंतु जीवा अयोध्या नगरी को। हमारे भाग्य सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए हम मतलब बहुत चाहती इसके लिए हम दौड़े चले हुए आए हैं अयोध्या में। राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करना था और बहुत ललायित थे कि भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसका दर्शन करना है हमको। अयोध्या बुलिबा पूर्वरु अनेक लोक सरजू नदी के आसती आ सरजू घाट में गाधिला परे किछ लोक नौका विहार करती आखपाखे जी मंदिर अच्छी मंदिर बुलती आमे भी आसलु सरजू घाट को देखिल जेबेठारु मंदिर नुआ प्रतिष्ठा कथा आसुची सेबेठारु सरजू घाट मध्य नुआ रूप पाई। लोकंकर कहिया कथा कि जदि आपण अयोध्या परिक्रमा करछन्ति बा अयोध्या रे कोनसी मंदिर जाउछन्ति प्रथमे सरजू घाट रे स्नान करके जिबे तो ए सरजू घाट रो दृश्य गत किछि दिन भितरे सरजू घाट रो दृश्य मध्य परिवर्तन हेछि। सरजू घाट पूर्वर अवस्था एबेर अवस्था मध्य परिवर्तन हेछि। सरजू घाट रो मध्य नवे कळेबर हेछि जेभली भाबरे अयोध्या एबे नुआ रूप पाउछि ठीक सेभली भाबरे सरजू घाट मध्य नुआ रूप पाउछि। लोक आछन्ति एठी पूजा करुछन्ति सरजू नदी की पूजा करुछंती पत्थर रही महादेव को पूजा करुछंती स्नान करिबा परे अयोध्यार जेतिकी मंदिर रही से हनुमान बाड़ी कहंतु बा अन्य मंदिर चतुर्पार्श्व बुलुछंती मंदिर दर्शन करुछंती भक्तंकर भिड़ बढ़िलानी आउ मात्र एक मास अच्छी जेतेबेले एठी प्रतिष्ठा हबो अयोध्यार रामलल्लांक मंदिर किंतु एबेठारु ही लोकंकर गहली हेलानी एबेठारु किछि लोक रहिया पे योजना करसेलेनी। आमे जतले इठी आस्तु आमे किछि श्रद्धालु को भेटिथु तांका सांगरे कथा बा ओ जानिबा तांकर हृदयर कथा तांक मनर कथा कि एबे काहे कि से माने इठी आसीकि पहुंचसेलेनी आ अयोध्या रे एबे आसला पर तांको किमिति अनुभव होउछि कारण अयोध्या होउछि रामंक भूमि जोठी भी आम जाऊ सब राम ना ही शुभुच समस्ते राम राम ही कहते आम ये आसला बेले जड़े ओडिया झील को मध्य भेटी थी आप देख लु कि आपसाथी सहित अयोध्या आप हाँ अयोध्या तो आज हमें आसलु डिसेंबर तो यूजुअली समस्त मेमोरीज बनाती तो मुझे डिसाइड कली कि वर्ष मुझे किसी मेमोरीज बनैबी और आम डिसाइड कलु अयोध्या आसवाप एंड मुझे भावुची वर्षर सब बढ़िया डिसीजन थिला मोर अयोध्या आसवा ये आसला देख ली गोटे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस गोटे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लाइफ एटी बहुत इजी लगुच बहुत सरल लगुच बहुत बढ़िया लगुच कंस्ट्रक्शन तो सब चली आई थिंक किसी दिन पर सब ऑर्डिनरी लोक मान खोला समस्त आसवा कथा बहुत किसी अच्छी देखापी किसी दिन पूर्वर आम टीवी रे देखी थे अयोध्यार कथा जो निजे अयोध्या को देखुं मंदिर बुलुचंती दर्शन करछंती से अनुभव केमती टीवी रे देखंतो आमे घरे बसी के टीवी रे देखिबा गोटे अलगा एक्सपीरियंस एठी के आसी के निजे फील करिबा सेटा होची गोटे बहुत अलगा एक्सपीरियंस मते लागो छी कि बहुत किछ डेवलप होउची एठी जेमती आपण देखिबे एठी सब बोटिंग फैसिलिटीज बहुत किछ हेई जाई छी प्रोग्रेस होउची कंस्ट्रक्शन बे मते लागो छी बहुत बढ़िया बहुत स्पीड रे चली छी एठी। आ पहली बार आई है कहां से आप? मैं कोल्हापुर से हूँ। यहाँ का माहौल अभी हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है अभी। यस
सो ये तो राम जन्मभूमि है, यहाँ पे अभी अयोध्या का बड़ा मंदिर बन रहा है, नेक्स्ट मंथ में हमें उसका उद्घाटन देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आके बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग आ रहा है। तो हमारे जैसे यूथ जनरेशन में बहुत लोग पसंद करते कि पार्टी एंड ऑल, बट वी थॉट दैट वील गो टू अयोध्या, वील हैव सम गुड मेमोरीज विद अस। सो हमने राम कथा में सुना है, रामायण में देखी है, और यहाँ पे आने के बाद आपका सब अनुभव हुआ, हनुमान के मंदिर या सीता जी के मंदिर, जनक मंदिर, ये सब आपको अनुभव हुआ? हाँ, हमें सब अनुभव हुआ। एंड रिसेंटली वी वेंट टू दिस प्लेस, हम एक जगह गए जहाँ पर जो एक्चुअल राम मंदिर में मूर्तियाँ बन रही हैं, एंड वहाँ जो पूरा रामायण का पूरा एक मूर्ति के थ्रू दिखाया गया है, सीन्स दिखाए गए हैं, हनुमान जी हैं, और जैसे तारकासुर का वध किया था, और राम जी को बचपन से जो दीक्षा मिली है वो सब उसमें स्कल्पचर बनाकर दिखाया गया है। तो हम उधर गए, उधर से हमें मतलब आज का यूथ भी कितना सीखेगा उससे, तो इसीलिए लाइक वी एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, एंड हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं आगे। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଠି ସରଜୁ ନଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତି ଆସୁଛି କି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠି ଆମେ ଇତିହାସର କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଇତିହାସର କଥା ଜାଣିଛୁ। ସରଜୁ ଘାଟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ସଭିଏଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ସତେ ଯେମିତି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଖବରରେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆପ୍ କାଁ ସେ ଆଏ ହେଁ? କାଁ ସେ ଆପ୍? ହମ୍ ୟହାଁ ଗୋଣ୍ଡା ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା परिवर्तन हो रहा है, कैसा कैसा लग रहा है अभी अयोध्या? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या बदलाव आया कुछ दिनों में? बहुत कुछ बदलाव आ गया, बहुत कुछ है, सब कुछ बदलाव हो गया, रोड की भी मूर्ति भी अच्छी अच्छी बन गई है यहाँ पे, बहुत कुछ। पहले कभी आए थे यहाँ? आए थे, घर यही पास में ही है। तो पहले कुछ साल के बाद और आज की अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या परिवर्तन देखा यहाँ? मतलब पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। सबको इंतजार है उस घड़ी की जब मंदिर प्रतिष्ठा होगी, सबको इंतजार है, सभी अपेक्षा करिछंती से मुहूर्त को, जो मुहूर्त रे एठी मंदिर प्रतिष्ठा हबो, सभी देखिबे, साधारण लोक मंदिर को जाई परिबे, रामलल्लांक दर्शन करि परिबे, सेथि पई एबेटारु ही एठी अयोध्या रे श्रद्धालुंकर, साधारण लोकंकर, विशिष्ट व्यक्तिंकर, सभीकर भीड़ जमिलानी।